तो आज हम बनाएंगे दाल ढोकली, जिसके लिए हमें लगेगा मूंग की छिलका वाली दाल, चावला और चने की दाल, गेहूं का आटा, तेल, घी, लवंग, काली मिर्ची, नमक, धनिया, मिर्ची, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, राई और कड़ी पत्ता। तो सबसे पहले ये दाल को वॉश कर लेंगे हम। तो 200 ग्राम दाल है और चावला और चने की दाल, इन सब को मैं अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। अब हमने दाल धोकर ले ली है, अब हम ढोकली का आटा तैयार करेंगे। उसके लिए हम लेंगे आटा जो कि लगभग 200 ग्राम है। उसमें डालेंगे मिर्ची हाफ चम्मच, जीरा, धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार, ऑयल 2 टेबलस्पून, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। आटा ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि आटा तैयार हो चुका है। अब इस आटे को सेट होने के लिए हम रख देंगे कम से कम 15 मिनट। हो चुका है आटे को, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी ढोकली बनाएंगे। ढोकली दो तरह से बनाई जाती है, कोई कोई इसको तोड़ के भी, गोल गोल करके भी बनाते हैं, तो कोई इसकी रोटी भी बना के चाकू से कटिंग कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। वैसे मेरे घर में सबको यही पसंद है, इसके लिए मैं यही बनाऊंगी। छोटे छोटे पीस बना के ऐसे छोटे बड़े अपनी इच्छा के अनुसार कैसे भी बना सकते हैं। तो अब हम गैस ऑन करेंगे और दाल और ढोकली को उबालने के लिए गर्म पानी रखेंगे। लगभग 4 ग्लास पानी है। आधा जग इसको हम ढक्कन लगा देंगे ताकि इसका उबाल जल्दी आ जाए। तो अब आप देखते हैं कि पानी का उबाल आ चुका है। इसमें डालेंगे हम दाल, ढोकली बन चुकी है, ढोकली को भी अंदर डालेंगे। इसमें डालेंगे हल्दी, नमक 1 चम्मच। अब कुकर को बंद कर देंगे, फुल फ्लेम पे रखेंगे और एक विसल आए तब तक कुकर को फुल फ्लेम पर चालू रखेंगे।
दाल ढोकली का सीटी आती है तब तक हम उसका तड़का तैयार कर लेते हैं। गैस ऑन करेंगे। दो चम्मच घी डालेंगे। ये गरम हो चुका है, अब इसमें डालेंगे राई। जीरा तीन से चार, लवंग और काली मिर्ची, हरी मिर्च के टुकड़े, करी पत्ता, पिंच ऑफ नीम, एक चम्मच हरी मिर्च या लाल मिर्ची, थोड़ा सा पानी। कुकर ठंडा हो चुका है, गैस ऑन करेंगे। थोड़ा सा पानी कम लग रहा है। अब जो तड़का तैयार किया था हमने वो इसमें डालेंगे। अगर आपके घर में लहसुन और प्याज खाते हैं तो आप इसको तड़के में डाल सकते हैं। मेरे घर में कोई नहीं खाता है इसके लिए मैंने नहीं डाला है। अब इसको 5 से 7 मिनट तक स्लो फ्लेम पे उबलने देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं ढोकली उबल चुकी है, तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे ऊपर से अच्छे टेस्ट के लिए। धनिया, तो लीजिए तैयार है राजस्थानी दाल ढोकली। गुजराती दाल ढोकली भी ऐसे ही बनाई जाती है, उसमें केवल अरहर की दाल होती है और थोड़ा गुड़ डाला जाता है उसमें।